के लिए नाक का सवाल बन गई है। जम्मू से भाजपा के जुगल किशोर चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से रमन भल्ला किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं जम्मू के राजनीतिक समीकरण, देखिए जम्मू की चुनावी जमीन से संवाददाता रमा त्यागी की एक खास रिपोर्ट। मंदिरों के शहर जम्मू संसदीय सीट पर हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता आया है। फिलहाल यहां पर भाजपा का कब्जा है। ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहां भाजपा का दबदबा देखने को मिल रहा है। फिलहाल भाजपा के जुगल किशोर यहां से सांसद हैं। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। ये निर्वाचन क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के 22 जिलों में से 5 भौगोलिक स्थानों को कवर करता है। परिसीमन के बाद इसमें 18 सीटें आती हैं। पिछले 2 चुनाव से जीत दर्ज करते आ रहे जुगल किशोर ने भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यों और प्रदेश में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद विकास और शांति के प्रयासों को लेकर अपनी जीत का दावा किया है। दिल जीतने के लिए कौन कौन से मुद्दे आप लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, किस तरह से विश्वास हासिल कर? सबसे पहले तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास हो रहा है, एक एम्स जम्मू और एक एम्स श्रीनगर में, और जहां पर शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा के कई आधारे जो है IIM हो, IIT हो या नेशनल हाईवे हो। कांग्रेस का कहना है कि हमने यहां पर जो प्रोजेक्ट शुरू किए आप ही लोगों ने, अब उन्हीं लोग उसी पर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आपका क्या कहना? मुझे ये बता दे कांग्रेस के कब इन्होंने IIM के बारे में सोचा था, मुझे ये बता दे कांग्रेस कब इन्होंने एम्स के बारे में बात की थी, मुझे ये बता दे कांग्रेस कब इन्होंने जम्मू से लेकर अखनूर और अखनूर से पुंछ तक का नेशनल हाईवे बनाने का सपना भी देखा था। अरे ये बड़े सपने नहीं देख सकते, इनके पास अपने परिवार और पार्टी के लिए ही काम करने की नीयत है, इन्होंने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा। वहीं 2019 के चुनाव में जुगल किशोर के हाथों कांग्रेस के रमन भल्ला को भले ही मात मिली थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है और दोबारा यहां से टिकट दिया है। रमन भल्ला ने कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता गुस्से में है और इस बार आवाम का विश्वास उन्हें मिलेगा। जी किन वादों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? बेसिक मुद्दे जो है जिसमें भाजपा ने अनदेखी की और जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में थोपी गई जिसके लिए जम्मू तैयार नहीं था, उसमें मेन मुद्दा लें तो हमारी रियासत का दर्जा छीना गया और बेसिक महंगाई का मुद्दा है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम है, 2014 के बाद नौकरी कहीं नहीं लगी, कोरोना के बाद इकोनॉमिकली सारी सेक्शनें वीक हो गई, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बैठ गया, टूरिज्म पोटेंशियल इसमें काफी था जिसमें लगता है कि जम्मू टूरिज्म के लिहाज से कोई डेस्टिनेशन सेंटर ये लोग नहीं बना पाए। चुनावी लड़ाई किस तरह से देखते हैं? इस बार भी आपके पुराने प्रतिद्वंदी ही आपके सामने चुनावी मैदान में है। वो पुराने उस वक्त रियासत नहीं तोड़ी, अब वो कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के अलावा इस सीट पर 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू लोकसभा सीट के अंतर्गत 18 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,80,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 9,21,000 से ज्यादा पुरुष जबकि 8,60,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 28 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। वहीं 18 से 19 वर्ष की आयु के 66,378 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उधर इस सीट के लिए 2,416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,750 ग्रामीण और 666 शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। मुद्दों के शोर में तमाम प्रत्याशी लगा रहे हैं अपना जोर, सवाल यही है कि क्या बीजेपी लगाएगी अपनी हैट्रिक या फिर कांग्रेस फिर से पा जाएगी अपनी खोई हुई जमीन, और इस सवाल ने बना दिया है इस चुनाव को बेहद दिलचस्प। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, DD News जम्मू।